में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बोहत, ब्यूरो चीफ हरियाणा एवं डायरेक्टर ऑफ हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं तावड़ू के बिल्कुल सटे हुए ग्वारका कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में, जो बिल्कुल VDPO ऑफिस के नियरेस्ट है। और यहां पर जब हमने कॉलोनी वासियों का दर्द सुना तो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे कि यहां का जो प्रशासन है, यहां के जो स्थानीय दुकानदार है, जो कॉलोनी में जिन्होंने दुकानें कर रखी है, उन स्थानीय दुकानदारों को सब्जी वगैरह लाने के लिए सुबह या शाम का किसी भी प्रकार का परमिशन लेटर पास अलाउड नहीं कर रखा, जबकि शहर वालों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं बताना चाहूँगा अभी सभी दर्शकों साथियों को, सभी को ये संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये कोई तावड़ू से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि बिल्कुल तावड़ू के अंदर ही एक सटी हुई कॉलोनी है, ग्वारका कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में। ग्वारका कॉलोनी में इंदिरा कॉलोनी में मेरे साथी शफीक भाई ने जो दुकान कर रखी है अपनी, इन साथी ने 8वीं पास की थी आज से 25-30 साल पहले, और जब कोई रोज़गार नहीं मिला तो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए इन्होंने एक अपने गांव में ही एक परचून की दुकान की। वहां से पूरी कॉलोनी में साग सब्जी और सारा सामान अवेलेबल कराया जाता है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते हुए जो तावड़ू में 10 तारीख के बाद में पूर्णतया सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया है, उसमें साग सब्जी लेने के लिए मंडी में जाने वालों के लिए शहरी लोगों के तो पास अलाउड है, लेकिन गांव वाले साथियों के पास अलाउड नहीं है। जबकि जो शफीक साथी है वो पूर्व ब्लॉक समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। हम जानना चाहेंगे उन साथी शफीक जी से कि उनके साथ में क्या हुआ, SDM ऑफिस में गए तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया और SDM ऑफिस में उनको मिलने तक नहीं दिया। कैसे क्या क्या दिक्कत आई आपको बताएंगे? दिक्कत ये जी, हमारी जो कॉलोनी तकरीबन 100 घर के आस पास इसमें, और इसकी आबादी तकरीबन 500 आदमी है जी इसमें, और यहाँ बाजार वालों के लिए सारी अलाउड हुई पड़ी, सभी का जो भी खाने पीने की वस्तुएं उन्हें परमिशन मिला चुका है और सब अपने आराम से तसल्ली से गुजारा कर रहे हैं। पर यहाँ गांव वासियों को, अदर और गांव वासी जो हमारी कॉलोनी छोड़कर और गांव वालों के लिए, किसी के लिए भी दुकानदारों के लिए कोई पास की कोई सुविधा नहीं, जिससे वो अपने मंडी में जाके सब्जी खरीद के ला सके और गाँव में अपने अपने बस्तियों में सप्लाई कर सके। तो इस कारण हम अब 10 तारीख से बिल्कुल घुस नहीं पा रहे हैं। घुसने के लिए वो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, डंडे लेकर वो कहते हैं पास हो तो अंदर जाओ, नहीं तो अपने जाके अपने घर रहो। तो अब उसके चक्कर में, हम पास बनवाने के चक्कर में गए थे SDM ऑफिस, तो वहाँ उन्होंने कहा था आप सरल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरो और उसके बाद आपका पास बन जाएगा। हमने सरल वेबसाइट पर भी अपना फॉर्म भरा, उधर कैंसिल होने के बाद हमें मैसेज मिला आप SDM से ऑफिस में मिलो। तो वहाँ हम 4-5 दुकानदार गए थे उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ उनके जो कर्मचारी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया किसी को भी, और सरपंच भी गए थे साथ। नहीं, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा जो कर्मचारी थे उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? ये कहा था जी साहब नहीं मिल सकते किसी से भी, और तुम्हारे पास नहीं बनेगा, अपने तरफ से कहीं से गुजारा करो, हमें से कोई लेना कोई गाँव वालों के लिए कोई नहीं हमारे पास परमिशन। तो देखिए, जब शफीक कुछ एक दो साथियों को लेकर के और जब SDM ऑफिस में गए तो SDM से उनके कर्मचारियों ने, उनके अनुयायियों ने इनको मिलने तक भी नहीं दिया। एक संतुष्टिजनक जो जवाब बनता है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए प्रशासन के द्वारा, इनको मिलने तक का भी उनके पास में समय नहीं रहा। रही बात पास बनवाने के लिए, तो वो कम से कम ये क्रिया भी नहीं बता सकता कि आप लोगों का पास कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, और किस प्रकार से यहाँ आप अपने पब्लिक को, अपने ग्रामीण भाइयों को संतुष्ट कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पर 3-4 दुकानें हैं, मैं बताना चाहूँगा 3-4 दुकानों में कम से कम यहाँ पर जो ग्रामीणों में रोष है वो किस प्रकार का है। यदि एक दुकान वाले का पास सबमिट कर देता है प्रशासन, तो कम से कम वो सभी दुकानों पर अपनी सब्जी ला कर सप्लाई कर देता है, जिससे सारी कॉलोनी में साग सब्जी पहुँच जाती है। तो SDM प्रशासन का जब इस तरह का रवैया है, जबकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर इस बात पर जोर दे रहा है कोई साथी किसी भी सुविधा के लिए मजबूर नहीं रहेगा, प्रशासन उसका पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो अब आप सोच सकते हैं, BPN न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी को संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि SDM साहब की क्या नीति है, तहसीलदार की क्या नीति है, या तावड़ू तहसील के प्रशासन की क्या नीति है। बढ़ते कलम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ BPN न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।